मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल्याण डोंबिवली मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के हद में दीपक सलगरे नामक चोर एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों बाइक चोरी करके पहले तो सस्ते दामों में बेच देता था और जो नहीं बिकता था उसे भंगार में अलग अलग पार्ट्स खोलकर बेच देता था, जिससे पत्नी भी खुश रहती थी। पुलिस ने इनके पास 19 मोटरसाइकिल बरामद की है और 23 बाइक की इंजन भी बरामद की है, जिसकी कीमत कुल टोटल मिलाकर 8 लाख कुछ आसपास हो रहे हैं बताई जा रही, जिसकी कीमत है। साथ ही 40,000 और कैश मिला है इन चोरों के पास से। पुलिस ने जानकारी दी, दीपक सलगरे सातिर चोर है, घर से निकलता था रिक्शा या पैदल रास्ते में जो भी बाइक मिलती थी उसे सातिराना अंदाज में अपनी हाथ की सफाई कर देता था। पुलिस को इस बात की भनक लगी और डोंबिवली मानपाड़ा पुलिस ने दीपक सलगरे नामी ग्रामीण चोर के साथ 5 और अन्य चोर जो उसी में उनके साथ शामिल थे उन चोरों को धर दबोचा, यानी कुल 6 चोर पुलिस के गिरफ्त में है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कल्याण के DCP सचिन गुलजार ने क्या जानकारी दी है सुनिए। हमारे पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सीनियर PI श्रीयुत बागड़े और उनके सहकारी PSI तारमाड़े और उनका जो टीम है उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी के गुने उगड़ किए हैं। उसमें अभी तक 19 मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं और 23 इंजिन्स जो मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद उनको तोड़कर बेचा गया था वो इंजिन्स रिकवर हुए हैं। अभी तक 8,24,500 का माल रिकवर हुआ है और 40,000 रुपये रोक रकम रिकवर हुई है। सर, ये किस तरह चोरी कर लेते हैं और ये किनको बेचते थे और जो इसकी खरीदारी करेगी उनके ऊपर आप क्या इसमें यही मोडस थी कि ये जो मेन आरोपी है दीपक सलगरे अंबरनाथ का रहने वाला है, वो लिफ्ट लेके या रिक्शा में आता था और जो भी कुछ मोटरसाइकिल मिलती है उसका हैंडल लॉक तोड़ के डुप्लीकेट चाबी से वो गाड़ी चालू करके चोरी करके लेके जाता था। कुछ मोटरसाइकिल उसने भंगार वाले को दिए और कुछ मोटरसाइकिल आम आदमी को बेची है। ये जो मोटरसाइकिल आम आदमी को बेची है वो 3,000 से 4,000 रुपये में बेची है। उनको यही बोला गया था कि इसके पेपर्स मैं बाद में बना के दूंगा, लेकिन उनको उसने पेपर्स बना के दिए नहीं है। तभी सभी लोगों को यही आह्वान है कि ऐसी सस्ते में अगर मोटरसाइकिल मिल रही है तो वो पूरे पेपर्स देखने के बाद ही उसका व्यवहार करें। सर, इस मामले में लव मैरिज का मामला है, उसने लव मैरिज किया था उसको मौज मस्ती करने के लिए खरीदता था और बेचता था, ऐसा कुछ है? हाँ, बराबर है। दीपक सलगरे जो मेन आरोपी है उसने अभी शादी की थी तो वाइफ के साथ मौज मजा करने के लिए ये आसान तरीका उसने ढूंढा था कि आसानी से पैसे मिल जाए और इस पैसों से वो मौज मजा करना चाहता था।